उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद सहित सभी आरोपियों को एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा सुनाते ही अतीक अहमद भाई अशरफ के कंधे पर सर रख कर रोने लगा। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अतीक अहमद ट्रेंड होने लगा। अतीक को लेकर लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे थे। उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक को प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस मामले में अतीक सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। गौरतलब है कि अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था। इसके बाद उसे नैनी जेल में रखा गया था। अतीक की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। उमेश पाल के अपहरण केस में प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों को 364A, 34, 120, 341, 342, 504, 506 इन धाराओं में दोषी पाया गया है। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी भी किया गया है। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान इसरार, आविद प्रधान, आशिफ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी किया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद उमेश पाल की मां ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम पहले भी कह रहे थे कि अतीक अहमद ने मेरे बेटे का अपहरण कर उसे 3 दिन तक अपने ठिकाने पर रखा था। हालांकि काफ़ी विरोध के बाद उसने मेरे बेटे को छोड़ दिया। इसके बाद भी मेरा बेटा लड़ाई लड़ता रहा। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का ये फैसला इसलिए काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की मां ने कहा है कि आज तक किसी ने अतीक की आंखों में आंखें नहीं मिला पाई, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते आखिरी में पूरा मामला तय हो गया था। उसे उम्मीद थी कि अतीक को सजा मिलेगी, लेकिन उसने मेरे बेटे का मर्डर ही करवा दिया। मुझे विश्वास था कि कोर्ट यही फैसला सुनाएगी, लेकिन यह फैसला मेरे बेटे के अपहरण केस पर आया है। अभी मेरे बेटे की हत्या पर फैसला आना बाकी है। देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया। पहले 2 साल राजूपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ ही कॉलेज के लड़के और सब काफ़ी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया। शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, ख़त्म हो गया। उसको उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षाकर्मी थे। तो मतलब ये जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाल उठ के वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है,
ये आजीवन कारावास है, इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे आप? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और तीनों को संहार कराया है, मेरे बेटे और दो सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया, इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे तीन मारे गए हैं, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा ना रखा जाए। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया गया है, टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए, लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के, वो सब जब वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है, अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? आपने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब अच्छा, करा सकता है, मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता, अभी दे सकता, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैसे संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी, उन्होंने जो क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है, मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था लेकिन वो दोष भाई रोमत यार नीचे से, आप उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा के तहत केस दर्ज किया गया था लेकिन अशरफ दोष मुक्त अपराधी है, इसके तमाम सारे शूटर्स हैं, इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है, हमारा बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और उस पाल भी चला जाएगा, कोई गम नहीं है साथियों। इसका खौफ किस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही, भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये जूता पहनकर मिट्टी में मिले, ये जूता है एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है, ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को, कोई डर नहीं लग रहा है, पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जान कभी डरती नहीं, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता तो उनके परिवार की बड़ी खुशी होती है। जूता पहना के क्या हासिल? जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं किसी अधिवक्ता या किसी को।